हे देयर, दिस इज लखन सोमानी बैक विद अ न्यू वीडियो। अगर से आपने मेरा अभी तक कोविड जर्नी वाला वीडियो देखा नहीं है तो पहले जाके वो वीडियो देखिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जिन्होंने वो वीडियो देखा है उनके लिए लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। वेल, लास्ट वीडियो देखने के बाद मुझे कुछ कॉल्स एंड मैसेजेस ऐसे आए वेर आई रियलाइज कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव फ्यू ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू आंसर फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस बाय मोस्ट ऑफ द पीपल। ये जो कॉमन क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस कौन से है? ये क्वेश्चंस है कि COVID-19 के लिए हमने खुद ने वॉलेंटरीली टेस्ट करानी चाहिए या नहीं। अगर से टेस्ट कराए और रिजल्ट्स पॉजिटिव आए तो लोग क्या कहेंगे? आपने जब आपके खुद के पॉजिटिव होने की न्यूज सुनी थी तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था? आप जब हॉस्पिटल जा रहे थे तो आपने क्या क्या सामान पैक किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या हम इस COVID-19 के लिए ट्रीटमेंट घर पे ही ले सकते हैं? एंड फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हर किसी ने मुझे पूछा कि आपने ऐसा क्या किया या ऐसा क्या सोचा जिस वजह से आपने मेंटल पॉजिटिविटी डेवलप की। तो वेल, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। टू बिगिन विथ, सबसे पहला क्वेश्चन, COVID-19 के लिए हमने खुद ने वॉलेंटरीली टेस्ट कराने चाहिए या नहीं। लेट मी टेल यू, अगर से आपको इनमें से कोई एक भी सिम्टम है लाइक फीवर, कफ, कोल्ड, वीकनेस, हेडेक, डिसेंट्री यानी कि लूज मोशंस, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनमें से सारे सिम्टम्स रहे तो जाके टेस्ट कराओ। मैं ये कह रहा हूं कि इनमें से कोई आपको एक सिम्टम भी रहा तो प्लीज जाओ एंड टेस्ट कराओ, क्योंकि हमारे केस में भी हमको सिर्फ वीकनेस था लेकिन फिर भी हम पॉजिटिव निकले थे। मैंने भी यही गलती की थी, टेस्ट के लिए निकलते टाइम तक मैं ये कहता रहा कि मम्मी अपने को सिर्फ वीकनेस है, जो कि जेन्युइन रीजन है जो मैंने पहले वीडियो में शेयर किया हुआ है, तो इस सिर्फ वीकनेस के लिए क्या आप अपने को कोरोना की टेस्ट करानी पड़ेगी। लेकिन वो तो गुरु महाराज की इतनी बड़ी कृपा रही कि मम्मी अपने डिसीजन पे फर्म रही कि लखन तू चाहे कुछ भी बोल, अपने को जाना है और कोविड के लिए टेस्ट कराने। थैंकफुली आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सही डिसीजन था वो, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव निकले और हमको सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिली, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कुछ लोग 8-8, 10-10 दिन तक घर पे ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं, घर पे ही यूजुअली होम रेमेडीज कर रहे हैं, एंड जब सिचुएशन क्रिटिकल हो रही है, जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तब वो लोग हॉस्पिटल शिफ्ट हो रहे हैं एंड तब वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ रही है। सो आई वुड सजेस्ट कि गो एंड टेस्ट योरसेल्फ एज अर्लीएस्ट एज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के कंटिन्यूएशन में है कि अगर से कोरोना टेस्ट करवाए और पॉजिटिव निकले तो लोग क्या कहेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा। अगर आप टेस्ट नहीं कराते हो, अगर आप घर पे ही होम रेमेडीज कर रहे हो और गलती से भी अगर आपकी सिचुएशन क्रिटिकल हो गई, ऐसे टाइम पर लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि अरे वो तो पागल था, 8 दिन पहले ही अगर से वो बता देता हॉस्पिटल में तो शायद आज इतनी क्रिटिकल सिचुएशन नहीं होती। देखो फ्रेंड्स, कोरोना पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक इतना डेंजर है कि आपके आखिरी टाइम में आपकी फैमिली भी आपके साथ नहीं आती। तो क्या आपको लगता है कुछ कहने वाले लोग आपका साथ देंगे? नेवर। इट इज यू एंड ओनली यू हु हैज टू फाइट फॉर योरसेल्फ। इट इज यू एंड ओनली यू हु हैज टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज एट द एंड यू आर लेफ्ट ऑल अलोन। एट द एंड यू आर लेफ्ट ऑल बाय योरसेल्फ। और लोग क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या होता है भाई? ये कोई क्राइम है क्या? आप क्रिमिनल हो क्या? आपने कोई मर्डर किया है? ये एक वायरस की देन है जो किसी को भी हो सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोफेशन, ये किसी को भी हो सकता है, किसी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आपको पता चला कि आप पॉजिटिव हो तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था? सबसे पहला रिएक्शन हेयर इट इज कि मतलब हुआ ऐसा कि चाचा का मुझे कॉल आया एंड ही टोल्ड मी कि लखन यू आर पॉजिटिव और तुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। मैंने कॉल कट किया 5 मिनट के लिए, तो मैं पूरा ब्लैंक हो गया था, क्योंकि जितना आज आप लोग अपने आप के लिए डर रहे हो, शायद इससे कई ज़्यादा मैं अपने आप के लिए डर रहा था, क्योंकि आज तो भी आपके पास मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पास तो किसी का एक्सपीरियंस भी नहीं था जो मुझे ऐसा बताएगा कि ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। मैं खुद भी बहुत छोटा हूँ, इमैच्योर हूँ, इतना मैच्योर नहीं कि सारी चीज़ें खुद से मैनेज करूँ। बस ये रियलाइज हुआ कि चलो ठीक है, लखन हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। एक बात की तसल्ली ये थी कि चलो मम्मी अकेली हॉस्पिटलाइज थी, अपन मम्मी को जाकर वहाँ कंपनी दे देंगे। लेकिन सेम टाइम पे इस बात का भी टेंशन था कि घर पे प्रीति अकेली रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने हॉस्पिटल जाते जाते क्या क्या सामान पैक किया था। लेट मी टेल यू, गुरु महाराज ने यहां पर भी इतनी बुद्धि दे रखी थी मम्मी को, पता नहीं कहां से क्या हुआ क्या नहीं, मम्मी को कहां से ये सब समझा,
लेकिन मम्मी ने हमको हॉस्पिटल जाने से पहले ही ये कह दिया था कि अपने को तीनों को अपने अपने बैग्स पैक करने हैं, तीनों के अलग अलग बैग्स पैक करने हैं। बैग में जो सामान पैक करना चाहिए वो सामान ये रहना चाहिए: 2 pairs of dresses, 1 towel, 1 napkin, 1 blanket, 1 bedsheet, 1 brush, 1 paste, 3 साबुन अलग अलग, 1 all out का liquid क्योंकि वहां मच्छर होंगे नहीं होंगे यू नेवर नो द सिचुएशन, 1 headphone क्योंकि सिर्फ फोन ही ऐसी चीज है जो तुम्हारे साथ रहने वाली है तो हेडफोन्स आर द मस्ट, 1 charger, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, 1 water bottle और सबसे इंपॉर्टेंट थोड़ी कैश, 1 debit card एंड आधार कार्ड क्योंकि इसकी जरूरत तुमको कभी भी गिर सकती है। ये सारा सामान तो हमने तीनों ने अपने अपने बैग्स में पैक कर लिया था, लेकिन हमने एक बैग कॉमन में भी बनाई थी जिसमें था इलेक्ट्रिक केटल एंड इलेक्ट्रिक स्टीमर। इलेक्ट्रिक केटल इसलिए सो दैट तुमको गर्म दूध वहां कर सको, सो दैट तुम गर्म पानी पी सको, सो दैट तुम गर्म काढ़ा पी सको, एंड इलेक्ट्रिक स्टीमर इसलिए सो दैट तुम वहां पर स्टीम ले सको, विच इज वन ऑफ द बेसिक नीड इन दिस पीरियड। अगर से आपने इतना भी सामान पैक किया हो तो इनफ है 14 days के लिए। अगर से आपके पास कोई मैन पावर है भी नहीं जो आपको घर से लाके सामान वापस दे सकता है ऐसे सिचुएशन में हॉस्पिटल में, तो भी इतना सामान 14 days के लिए इनफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम इसकी ट्रीटमेंट घर बैठे ही ले सकते हैं, तो लेट मी टेल यू दिस थिंग कि ये बात बहुत गलत है अगर से आप घर बैठे बैठे ट्रीटमेंट ले रहे हो तो, क्योंकि इतने सारे कंट्रीज है, इतने बड़े लैबोरेटरीज है, लेकिन अभी 4-6 महीने में इसका एंटीवायरस, एंटीडोट, वैक्सीन नहीं बन पाया है, तो अपन बहुत नॉर्मल ह्यूमन बींग है। आपको क्या लगता है घर बैठे बैठे अपन इसकी ट्रीटमेंट ले सकते हैं? नेवर, कभी नहीं। इस ट्रीटमेंट में जो ओरल डोसेज है, जो इंट्रावीनस डोसेज है, ये डोसेज आपका एज पर मैटर करता है, आपके सिम्टम्स पर मैटर करता है, और आपकी सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है इस बात पर मैटर करता है। जस्ट बिकॉज आपको किसी ने बोला कि हमको ये ट्रीटमेंट दी गई है, आप लोग भी ये ट्रीटमेंट घर पे चालू कर दो, ये बहुत गलत होगा। आई वुड सजेस्ट कि जो ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर्स दे रहे हैं वही आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगी। कमिंग टू द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर किसी ने पूछा कि आपने ऐसा क्या किया या ऐसा क्या सोचा जिससे आपकी मेंटल पॉजिटिविटी डेवलप हुई। वेल, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आंसर को 2 parts में डिवाइड करना चाहूंगा। एक ये पार्ट है कि आपको ऐसे कौन से सिचुएशंस आ सकते हैं, आप ऐसे कौन से सिचुएशंस फेस कर सकते हो जिसमें आपको मेंटली पॉजिटिव रहने की बहुत जरूरत है, एंड सेकेंड पार्ट ये रहेगा कि ये पॉजिटिविटी डेवलप कहाँ से आएगी, कैसे करोगे। टू बिगिन विथ, ऐसे 3 situations आपके सामने आ सकते हैं जहां आपको मेंटली स्ट्रांग रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहली सिचुएशन जो मेरे मम्मी की थी, अनुजा सोमानी। जब पता चला कि मम्मी अकेली पॉजिटिव है, मैं और प्रीति निगेटिव है, तो सबसे बड़ा डर जो मम्मी को लगा वो ये था कि 15 दिनों तक मैं सेल्फ आइसोलेशन में, क्वारंटाइन में कैसे रहूंगी। मेंटल स्ट्रेंथ देख रहे हो लेकिन तुम लोग, मम्मी को सिर्फ इसी बात का ध्यान था कि मुझे फटाफट ठीक होना है और मुझे बच्चों के पास जाना है, इसलिए कभी भी हम कॉल करते थे तो मम्मी सिर्फ इतना ही बोलती थी कि आई एम एब्सोल्युटली फाइन, सो दैट हम लोग पैनिक ना हो। ये सिचुएशन आपके सामने भी आ सकती है जब आप अकेले आइसोलेशन में हो, जब आप अकेले क्वारंटाइन हो, आपको भी बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा, लेकिन आपको ये जो पैनिक सिचुएशन है ये घर वालों को शेयर नहीं करनी है क्योंकि घर वाले ऑलरेडी डरे हुए, उनको बताकर भी कोई फायदा नहीं। सेकंड सिचुएशन आपके सामने ये आ सकती है जो मेरे सिस्टर की थी, प्रीति सोमानी। नेक्स्ट डे मैं खुद पॉजिटिव हो गया, मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया था, एंड प्रीति घर पे 15 days के लिए अकेली थी। उसको भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि मैं 15 दिन तक अब यहाँ घर पे मैं अकेली हो गई हूँ, मैं कैसे रहूंगी, क्या रहूंगी, कैसे करूंगी, मैं बहुत छोटी हूँ, एंड ऑल दिस थिंग्स। लेकिन हर बार जब वो हमको कॉल करती थी सिर्फ इतना हमको अश्योरेंस देती थी कि आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आप लोग आपका ध्यान रखो और फटाफट घर पे आ जाओ। मेंटल स्ट्रेंथ देख रहे हो, ये सिचुएशन आप लोग भी फेस कर सकते हो। आप अकेले नेगेटिव आ सकते हो, आपकी पूरी फैमिली क्वारंटाइन हो चुकी है, लेकिन आपको ये फियर आपकी फैमिली तक नहीं पहुंचाने हैं क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर में वो लोग खुद परेशान है। ट्रस्ट मी विद दिस, मम्मी और मैं हम दोनों कोविड वॉरियर्स बन चुके हैं, लेकिन हमारे इस जर्नी में सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो प्रीति का है, जो घर बैठे उसने हमको सपोर्ट किया है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर से आप आते हो तो आपको आपके फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करना है। थर्ड सिचुएशन वो हो सकती है जहां मेरा चाचा था, डॉक्टर नितिन सोमानी। हम लोगों की रैपिड एंटीजन टेस्ट हुई, चाचा हमारे साथ था, मम्मी पॉजिटिव आई, एंड चाचा ने खुद ने ड्राइव करके मम्मी को हॉस्पिटलाइज किया। मेंटल स्ट्रेंथ देख रहे हो इनकी भी, पता था एक पॉजिटिव पेशेंट को लेकर जा रहे हैं, पता था घर आने के बाद 14 डेज उनको भी होम क्वारंटाइन रखा जाएगा, लेकिन यही वो स्ट्रेंथ है जो आपको आपके फैमिली मेंबर्स को, आपको आपके फ्रेंड्स को, आपको आपके रिलेटिव्स को देनी है।
यही वो मॉरल सपोर्ट होता है जो आपको अपने लोगों को बताना होता है कि यार वी आर विथ यू, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है जहां अपनों की जरूरत होती है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि ये जो मेंटल पॉजिटिविटी है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है, ये कहां से डेवलप की जाए, ये अपने आप में इनबिल्ट कहां से लाई जाए। देखो फ्रेंड्स, कोरोना ये ऐसा वायरस है जो छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े मेट्रो सिटीज तक हर जगह फैला हुआ है। मेट्रो सिटीज में तो ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि अगर से आप चार लोग आपके फैमिली में हो और दो पॉजिटिव दो निगेटिव है तो भी चारों को एक ही घर में रखा जा रहा है, क्योंकि वहां पर इतने पेशेंट्स बढ़ रहे हैं कि वहां पर हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं है। मैं बात करूं अपने एरिया की, परभनी डिस्ट्रिक्ट, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट, जालना डिस्ट्रिक्ट की, यहां सिचुएशन बहुत ज्यादा कंट्रोल में है। तो अगर से ऐसे जगह पर आप कोविड पॉजिटिव हो तो आप ये बात सोचो कि जहां बड़े सिटीज में बाकी कंट्रीज में लोगों को डायग्नोज नहीं हो रहा है, लोगों के टेस्ट नहीं हो रहे डर के मारे, लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, लोगों को होम क्वारंटाइन में अपने ही फैमिली मेंबर्स को धोखे में डालना पड़ रहा है, तो आप कितने लक्की हो जो इस पैंडेमिक में आपको सही ट्रीटमेंट मिल रही है, सही डायग्नोसिस हो रहा है, सही मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब कोरोना के एंटीजन्स, कोरोना वायरस आपके बॉडी में एंटर करता है तो आपकी बॉडी ये एंटीबॉडीज डेवलप करती है, विच फाइट्स विद कोरोना वायरस, विच फाइट्स विद एंटीजन्स। यही वो एंटीबॉडीज होते हैं जो आपको सेकेंड अटैक ऑफ कोरोना वायरस से बचाते हैं। बोल तो आगे चल के जब अपने सिटीज में भी सिचुएशंस क्रिटिकल हो सकते हैं, जब मास पब्लिक एक साथ हॉस्पिटल्स भाग रही है, एट दैट टाइम आप सेफ रहने वाले हो। बस यही वो पॉजिटिविटी है, यही वो पॉइंट्स है जो आपको अपने आप को 15 दिनों तक कंटिन्यूअस बोलना पड़ेगा, खुद को ही समझाना पड़ेगा कि यस बहुत अच्छा है कि सही टाइम पे सही चीजें हो रही है। एक बात बहुत ज्यादा याद रखो, कोरोना कोई रोग नहीं। अगर से आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में आपके व्यूज बताइएगा, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट्स में आप पूछिएगा, इस वीडियो को आपके लव्ड वंस तक शेयर कीजिएगा। Until we meet next time, take care.